सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चले गए भाजपा और पैसा बांटते चले और हमारे एमएलए को भगा के ले। देखो गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता, जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी, करते नहीं करते। आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती है। पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती, और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता।